उन्नाव के शुक्लागंज विहार थाना क्षेत्र में हुई पीड़ित के साथ दर्दनाक घटना की जांच को लेकर लखनऊ कमिश्नर का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि कमिश्नर के आदेश पर 6 सदस्यीय SIT की टीम गठित हुई, जहां पर पुलिस कप्तान ने पीड़ित के घर पर हुए परिजन वालों को सुरक्षा बढ़ाई। वहीं सुरक्षा GRP का परिवार CBI जांच की भी मांग कर रहा है। जो चाचा है उसको फोन पर धमकी मिली है जान से मारने की और उसकी दुकान की, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, मनु विश्वकर्मा है जो कि पीड़िता के दूर के रिश्तेदार हैं, तो आज ऐसी सूचना मिली थी, तो जो संबंधित थाना इंचार्ज हैं SHO गंगाघाट, वो मौके पे हैं, सारी तत्वाई कर रहे हैं और हम उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें कोई भी कोताही नहीं होती जाएगी। कप्तान साहब, आपने बताया कि दूर के रिश्तेदार हैं, जबकि वो बता रहा है कि वो सगा चाचा है उसका। वो चाचा है उनके, जैसा बताया जा रहा था कि दूर के रिश्तेदार है, लेकिन उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर उनको अभी सारे तथ्यों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और SHO गंगाघाट मौके पर रहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? तो वहाँ पे जाके उनके फूफा लोग वहाँ धमकी दे रहे हैं, यहाँ रहने नहीं देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, दुकान जला देंगे। किनके फूफा? उनके शिवम त्रिवेदी के। क्या, कब गए? वो आज सुबह भी गए थे, कल शाम को भी गए थे। क्या धमकी दी? कह रहे हैं हम यहाँ रहने नहीं देंगे, वहाँ भी वो मचाए हैं। तो उनका फोन आया आपके पास? हाँ, उनका फोन आया, तभी बता रही थी। क्या उन्होंने कहा फोन पर? यही बता रहे हैं, यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं, जला देंगे। अब जाके वो भी जा रही हैं रिपोर्ट करने के लिए।